नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता, और ये क्या बोल रहे हैं तुम्हारे फैमिली मेंबर, क्या बोल रहे हैं? वो हमेशा हमारे साथ ऐसे क्यों करती है? क्या करती है? गुस्सा आ रहा है हमें, जाओ तुम यहाँ से। अरे मिसेस जी, क्या हुआ बताओगी? पतिदेव जी, हम हनीमून पे नहीं जा सकते। क्यों, अब क्या हो गया? ए भाई, ये मत बोलना कि अब तुम्हारे घर में पार्टी चालू हो गई है। नहीं। हाँ, वो हमारी माँ आ रही है। हम समझे नहीं। आई मीन पिया खुद एक दैविक है और रुचि इसकी कजिन है, तो वो आंटी और रुचि को ठीक से एक्सप्लेन कर पाएगी। रीवावंशी फैमिली से होने के बावजूद भी उन्हें इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। डोंट वरी, वो दोनों समझ जाएंगे इस बात को, और पापा भी तो है, पापा उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। आई न्यू इट, मेरे मिशन में ये फैमिली मेरे जरूर काम आ सकती है। मुझे पता था कि तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, अब तुम भी हमारे फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। वो क्या है ना देव, आज तक हमारे घर में सिर्फ काली शक्तियां बिन बुलाई मेहमान बनकर आई है, आज पहली बार एक अच्छी शक्ति घर में आई है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। शेखर जी, वेत्री जी, हमें इजाजत दीजिए, गुड़िया चलते हैं। चलो। पिया, क्या सोच रही हो? देव के बारे में सोच रही हूँ। डोंट टेल मी कि तुम्हें अभी भी उस पर डाउट है। कम ऑन पिया। पिया, देव ने खुद एडमिट किया है कि वो दैविक है। उसने एडमिट नहीं किया, आज उसे एडमिट करना पड़ा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मुझे देव सही नहीं लग रहा, भले ही वो दैविक हो, लेकिन जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह वो मुझे देखता है, कुछ अजीब लगता है। उसकी प्रेजेंस में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। शायद इसलिए क्योंकि वो भी दैविक है और तुम भी दैविक हो। पिया, पिया, तुम्हें दैविक की प्रेजेंस की आदत नहीं है ना, और देव भी पहली बार दैविक से मिला, शायद इसीलिए से वो तुम्हें अलग तरीके से देखता हो। तो हो सकता है, लेकिन हम जो एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, उसका क्या रीजन हो सकता है? वो मैं नहीं जानता पिया, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हमारी प्रॉब्लम देव से ही कनेक्टेड हो, कोई और भी तो वजह हो सकती है। फिर भी अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो जब तक शादी नहीं हो जाती, हम उन्हें पापा के घर पे शिफ्ट कर देते हैं या किसी होटल में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें घर वालों से बात करनी होगी। हाँ, तो अभी चलकर बात कर लेते हैं। चलो। देव और रुचि की शादी इसी हफ्ते होगी, हमें आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी होगी। क्या बातें हो रही हैं? वेदश्री, देव और रुचि की शादी इसी हफ्ते होगी, इसलिए हमें आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी है। क्या, आज से? हाँ। आज से? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर अविनाश और चैताली को भी बता देती हूँ। क्या बताना है भाभी? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि शादी की तैयारियां आज से शुरू कर देते। अविनाश, आज से नहीं, अभी से। और नहीं तो क्या? अरे शादी में एक हफ्ता भी नहीं बचा है। माँ, पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे हमें भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है भाई, रुचि और देव के विवाह के संबंध में। हाँ,
देव और रुचि की शादी इसी हफ्ते हो रही। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बहुत सारी तैयारी करनी है इसी हफ्ते। हाँ, कपड़ों और गहनों की शॉपिंग मैं और भाभी कर लेंगे। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, शॉपिंग में तुम तो सबसे आगे ही हो। गया, बोल दिया आपने, अब मैं बोलूं। पिया, केटरिंग वालों को तुम संभाल लेना और अंश, मेहमानों को इनवाइट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पंडित जी को मैं फोन कर देती हूँ मुहूर्त के लिए। और मैं डेकोरेशन वाले को बुला लेता हूँ, रुचि की शादी की थीम तय कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हल्दी, मेहंदी, संगीत, इसकी भी तो तैयारी करनी है ना। हाँ, बहुत काम है ना। अंश, मुझे नहीं लगता इनसे अभी बात करने का कोई फायदा है। तुम्हें नहीं लगता ये लोग रुचि की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है? ये कैसी आवाज थी? सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, उनका पूरा परिवार मेरे कंट्रोल में है। पिया को थोड़ा शक है मुझ पे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनको पता चलेगा हमारा काम हो चुका होगा। बहुत सालों की तलाश के बाद दैविक मिली है, अब मैं अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दूंगा। माँ आ रही है, हमें तैयारी करनी होगी। अच्छा, मतलब अम्मा आ रही है तो घर का साफ सफाई करना चाहती हो तुम? नहीं 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 नहीं, साफ सफाई नहीं, घर को गंदा करना पड़ेगा। का? हाँ, हम चुड़ैलों को साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए घर को फैलाना पड़ेगा। हम अभी शुरू करते हैं। अरे अरे सुनो सुनो, आप चुप रहिए। अरे सुनो मिसेज, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी अम्मा तो खुश हो जाएगी हमको पता है, लेकिन हमारी अम्मा देख कर करना। अबे बहुत महंगा है यार। पतिदेव जी, आप समझ नहीं रहे, हमारी माँ को बहुत गुस्सा आएगा। अरे ने, 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 एक मिनट, ये लो, हो गया? हाँ, अब सही लग रहा है, बड़ा मजा आया। एक मिनट देव, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? नींद नहीं आ रही थी तो वॉक पे चला गया। पक्का वॉक पे गए थे तुम? तो मुझ पे भरोसा नहीं करती ना, कितनी अजीब बात है ना, एक देविक को दूसरे देविक पे भरोसा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है तुम काली शक्तियों से कभी नहीं डरी, तो फिर एक देविक से क्यों डर रही हो? यू नो वॉट, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ, तुम्हारी शक्तियां मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। मुझे शक्तियों का लालच ना पहले था और ना अभी है। वो इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक शक्तियों की असली ताकत देखी नहीं। किस ताकत की बात कर रहे हो? जय हो मैया की। इसकी नहीं, जय हो मैया की। इसकी क्या तुम इसे हैंडल कर सकती हो? अरे बस तुम्हारे मजे की, बस बहुत हो गया, मजा आ गया, बहुत ठीक हो गया। पर ये सब देख के तुम्हारी अम्मा खुश हो जाएंगी। नहीं। क्या? नहीं,
ए सुनो, देखो अब तुम ये मत बोलना कि हमको फर्नीचर तोड़ना है, समझ गई? ये सब हम नहीं होने देंगे। नहीं पतिदेव जी, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? वो क्या बोलोगी? वो हम आपको बताना भूल गए। अरे मिसेस जी, देखिए अगर अब आपको याद आ गया है तो हमको बता दीजिए ना, कहाँ आप इतना फुटेज ले रही हैं? वो हमारी अम्मा को इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, उसे अगर पता चलेगा ना कि हमने इंसान से शादी कर ली तो क्या? तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। अब इसमें गुस्से की क्या बात है यार, इसमें गुस्सा कहाँ आना चाहिए? अच्छा क्या, छोड़ो ये बात, बताओ गुस्सा आता है तो फिर क्या करती हूँ? फिर वो कच्चा चबा जाती है, कच 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 करके। मैसेज जी बस, अब एक बात बताओ, ये तुम लोगों का फैमिली बिजनेस है का इंसान को कच 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 करके चबा जाना? कोई और तरीका क्यों नहीं ढूंढती हो? अरे अब क्या हो गया? पतिदेव जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे क्या बताएं, आपका प्यार ही तो हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। अंश, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ पिया। तुम्हारा हाथ, डोंट वरी, मैं इसे हील कर दूंगा। जब तुम पिया को छू ही नहीं सकते तो हील कैसे करोगे? लेट मी ट्राई। डोंट वरी, आई विल डू इट। लेकिन कैसे? मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा। आज तुम पिया को हील नहीं कर पाओगे, उल्टा खुद जख्मी हो जाओगे। मैं पिया को ठीक कर सकता हूँ। और मैं पिया का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं।